हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने एक नए डोरमेट की डिज़ाइन और उसका स्टिचिंग लेकर आई हूँ। यहाँ आज हम बनाएंगे बंजारा स्टाइल डोरमेट। बंजारा स्टाइल इसलिए क्योंकि इसमें मैंने जो डिज़ाइन दी है वो थोड़ी सी बंजारा लुक को मैच करती है। पहले तो आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया इसका लुक है। हमने बिना जोड़े ये सारे टुकड़ों को हमने चिपकाया है। कैसे चिपकाया है सारा कुछ देखेंगे वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में कुछ कपड़े के टुकड़े कट किए हैं। मेरे पास ये सोफ़ा कवर के जो वेलवेट के मोटे वाले कपड़े होते हैं ना, वो है। अब मैंने यहाँ पे 5.5x5.5 का एक स्क्वायर पीस निकाला था और उसका सेंटर लेके एक तरफ से मैंने दोनों कोने में त्रिकोण का शेप दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इसी तरह के 5.5 की चौड़ाई वाले त्रिकोण मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 बनाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये देखिए कुछ डिज़ाइंस हैं जो मैं पेपर पे पहले से ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर इसी के अकॉर्डिंग मैं डोरमेट बनाती हूँ। तो आगे आने वाले वीडियो में ये सारे डिज़ाइंस आपको देखने मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करना है। तो सारे देखिए, जैसे मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं ना, उसे हमें इस तरह से रखना है कि एक का सिर सीधा रहेगा तो एक का उल्टा रहेगा, ऐसे रहेगा। आप समझ लीजिए कि एक का कोना ऊपर रहेगा, एक का नीचे रहेगा। तो ऐसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, बस ऐसे ही आपको सबको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मेरे पास तो वेलवेट का कपड़ा है, लेकिन आपके पास अगर ना हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है, कोई पुरानी कुर्तियाँ हैं, चद्दरें हैं जिनमें से आप ये डोरमेट बनाना चाहते हैं, तो भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मैंने जो साइज़ ली है उससे आधा इंच ज़्यादा, यानी 6x6 या 6.5x6.5 का आप स्क्वायर पीस निकाल लीजिए और फिर उसका रेक्टेंगल, ताकि सिलाई में थोड़ा आधा आधा इंच दोनों तरफ से दबेगा, नीचे से भी दबेगा, तो आपका फिर वो जो रेक्टेंगल है वो 5.5 पे या 5 पे ही आ जाएगा। तो आपको सारे रेक्टेंगल्स को सिलाई करके जोड़ना पड़ेगा। मेरे में जो है इसमें धागे नहीं निकलते हैं, इसलिए मैं इसको जोड़ूंगी नहीं, हम इसे स्टिक करेंगे पेपर के ऊपर। तो देखिए, पहले तो मैंने सारे पीस को यहाँ पे एडजस्ट करके आपको दिखाया है, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है वो काफ़ी मोटा है। अगर मैं इसको सिलूँगी तो फिर मुझे इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपके पास इस टाइप का कपड़ा है तो आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने जो बताया वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कलर हमें नहीं समझ में आते, इसलिए मैंने पहले से सब कलर को एडजस्ट कर लिया, उसके बाद अब इसे उल्टा कर रही हूँ। तो सारे पीसेस को पहले हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि अब हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कलर किसके बाजू में है, क्योंकि पहले ही हमने सीधे में उसको देख लिया है, एडजस्ट कर दिया है और उसके बाद इसे उल्टा कर दिया है। अब देखिए प्रॉपर हमारे यहाँ पे पीस सारे एडजस्ट हो चुके हैं। अब ये जो कपड़ा है ना, इसमें एक तरफ दाने होते हैं, सॉरी ये कपड़ा नहीं, पेपर है, पेस्टिंग पेपर है, सॉफ्ट वाला, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसमें दाने होते हैं, दाने जिस तरफ है वो ग्लू वाला हिस्सा है और प्लेन हिस्सा जो रहता है वो नॉर्मल हिस्सा है। तो प्लेन वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और जो ग्लू वाला हिस्सा है उसे हमें कपड़ों पर रखना है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक बार आयरन लगाई, तब आयरन मेरी बहुत ज़्यादा गर्म थी, क्योंकि मैंने कपड़े जब एडजस्ट करने स्टार्ट किए तभी से मैंने आयरन को गर्म करने रख दिया था, तो ओवर हीट हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो था वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा पेपर है वो श्रिंक हो गया था। तो फिर मैंने तो एक सेकेंड के लिए आयरन को थोड़ा सा ठंडा किया, मीडियम उसकी हीटिंग पर लाई उसको, उसके बाद मैंने इसको स्टिक कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है कि आयरन तो करनी है, आयरन से ही हम इसको स्टिक कर पाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा गर्म नहीं करनी है कि हमारा पेपर श्रिंक हो जाए या चिपक जाए अलग तरीके से या फिर कपड़ा ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब अच्छे से आयरन करने के बाद ये स्टिक हो गए हैं पेपर के साथ में सारे पीसेस, तो बिना सिलाई के सब जुड़ गए एक साथ में। अब इसके नीचे का बेस बनाते हैं। तो देखिए फिर से एक बार उल्टा करके हम इसको पहले तो साइड से सीधा करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो भी पीस सब लगाए हैं उसमें आपने देखा कि थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, और हर बार ऐसा होता है आप कितना भी साइज़ से बनाएं फिर भी थोड़े से पीस छोटे बड़े हो ही जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह लास्ट में हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब ऊपर नीचे से यानी चौड़ाई वाले हिस्से से तो मुझे ये सीधा ही लग रहा है, लेकिन जो लंबाई वाला हिस्सा है वहाँ से थोड़ा आगे पीछे लग रहा था, तो मैंने इसको लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिया। तो नाप के भी दिखा देती हूँ आपको, मेरा जो यहाँ पे नाप है वो 20.5 इंच चौड़ाई है और 15 या 15.5 इंच इसकी लंबाई है। तो आप 15 पकड़ सकते हैं, 15 एक परफेक्ट नाप होता है डोरमेट के लिए, 15 की लंबाई सॉरी हाइट रहेगी और चौड़ाई इसकी 20 इंच रहेगी। तो ये प्रॉपर एक मार्केट में जो डोरमेट मिलता है ना, बस उसी साइज़ का ये बनेगा।
तो दोनों साइड से मैंने मार्किंग करके और अच्छे से मैंने इसको निकाल दिया है। अब हमने इसे स्टिक किया है, आयरन लगा के इसको कपड़े के साथ पेपर को चिपकाया है, तो अब ये निकलेंगे नहीं। यहाँ पर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी हल्का लग रहा है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं यहाँ से भी इसको सीधा कर लेती हूँ। आपको भी कोई भी शेप आप बनाए, कैसे भी बनाए, लास्ट में आपको थोड़ा बहुत काट के इसको छांटना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा खींचता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो गया है, तो ऐसे में लास्ट में इसको छांटना यानी कि काटना ज़रूरी है। अब यहाँ पे फिर से मैं थोड़ी सी आयरन चला देती हूँ ताकि अगर कहीं से कुछ ढीला हो गया हो, कपड़ा निकलने की तैयारी हो, पेपर से अलग होने की तैयारी हो, तो वो वापस से चिपक जाए, क्योंकि पूरा प्रोसेस करने में हमें आई थिंक 5-7 मिनट लग गए थे। तो देखिए अच्छे से मैंने वापस आयरन घुमा दी है और अब ये कपड़े सारे अच्छे से चिपक गए हैं। अब इसका बेस बनाएंगे। तो देखिए जब भी आप इस तरह के डोरमेट बनाते हैं ना डिज़ाइनर, तो कोशिश करें कि नीचे का जो बेस है ना वो पूरे टुकड़े में से बनाए, यानी पूरा कोई कपड़ा हो ना, चद्दर वगैरह हो या राइस बैग जूट बैग हो, उसमें से बनाए, ताकि क्या है नीचे का कपड़े को और ऊपर के कपड़े को हैंडल करने में आसानी हो। बहुत छोटे छोटे टुकड़े अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसे हैंडल करने मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी पुरानी नाइटी ली थी, कफ्तान नाइटी है। अब जब भी हमारे जैसे जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कपड़े खरीदते टाइम ही सोच लेते हैं कि इसका रीयूज़ करने का टाइम अगर आएगा तो क्या ये हो पाएगा, तो इसीलिए मैं हमेशा कफ्तान नाइटी लेती हूँ ताकि जब वो निकाल दूँ तो उसका मैं यूज़ कर पाऊँ। तो आई थिंक आप सब इससे कनेक्ट हो पाएंगे कि जो लोग भी क्रिएटिव लोग हैं वो यही चीज़ें सोचते हैं। घर में अगर कोई चीज़ हम लाते हैं तो उसमें भी हम यही सोचते हैं कि इसका रीयूज़ क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाइटी को बीच से काटा, उसके बाद उसको हाफ फोल्ड किया और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल फोल्ड, यानी ये टोटल अब 4 कपड़े हो गए हैं नाइटी के। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इसकी मोटाई ये परफेक्ट है, क्योंकि फिर ऊपर वाला मेरा जो कपड़ा है जो वेलवेट वाला वो भी मोटा ही है, तो नीचे 4 कपड़े और ऊपर का वो, तो परफेक्ट इसकी मोटाई आ जाएगी। अब देखिए मैंने इसको बीच में रख के चेक कर लिया, सभी तरफ से ये बराबर इसके ऊपर आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर पिंस लगा देंगे और इसके चारों कोनों में सिलाई करेंगे। सबसे पहले इसके चारों कोनों को सील कर दीजिए, सिलाई कर लीजिए ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। उसके बाद आप चाहें तो जैसे इसका शेप है रेक्टेंगल वैसे ही सिलाई करके इसको प्रॉपर फिट कर सकते हैं, या फिर आप क्विल्टिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर क्विल्टिंग ही कर दिया था, मैंने खड़ी और आड़ी दोनों लाइन में सिलाइयाँ चला के नज़दीक नज़दीक में और इसको एकदम से मैंने क्विल्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे जो रेक्टेंगल पीस हैं वो अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो गए और इसका कोई भी कोना वगैरह भी उठेगा नहीं। अब ये मैंने जो लिया है ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टियाँ ली थी काट के। अगर आप नॉर्मल कोई चद्दर पतली चद्दर है या पुरानी कुर्ती वगैरह है उसके कपड़े से अगर पाइपिंग करते हैं तो सिर्फ आपको 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है और सीधी पट्टी काटनी है, लेकिन मेरे तरह अगर आप भी लाइनिंग का कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्स का जो लाइनिंग का कपड़ा होता है बहुत ही पतला होता है। तो मैंने उसको लेकर डबल फोल्ड करके पाइपिंग कर ली है और यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं। नीचे का बेज आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बेज आया है। अगर हमने कहीं पे किसी को अगर हमें देना हो, गिफ्ट भी करना हो कि घर में ही किसी को यूज़ करने देना है तो भी वो लेकर खुश हो जाएगा, इतना प्यारा इसका लुक आया है, प्रोफेशनल लुक आया है और आप देख सकते हैं परफेक्ट ये दिख रहा है। तो आई थिंक आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।